Hello everyone. In this video, I will be discussing the quick sort technique of sorting the elements of an array. I will be performing this quick sort using the inbuilt or library functions available in C++, that is the sort function available under algorithm header. And I will also be discussing how qsort function available in C can be used in C++ to perform quick sort. So let's go. Hello everyone. In this video, I will be discussing about quick sort using library functions. अब हमें मालूम है कि C++ में अगर हमने sorting करनी हो तो हमारे पास algorithm header में जो कि एक STL के साथ हमें काम करना हो तो उस केस में एक sort function available होता है जो कि हम use कर सकते हैं quick sort perform करने के लिए और इस sort function पे अगर हमने इसको use करना है code में तो हमें एक algorithm header नाम की एक header file include करनी पड़ती है। तो इसका फायदा क्या होता है, ये ना कि सिर्फ वेरियस डाटा टाइप्स पे काम करता है, ना कि सिर्फ नंबर्स पे, ये स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है और कस्टम डेटा टाइप्स पे भी काम करता है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ नंबर्स को नहीं, स्ट्रिंग्स को या और भी डाटा जो अलग अलग टाइप का आएगा उसको सॉर्ट करने में हेल्प करता है, बट ये लाइब्रेरी फंक्शन है तो इसलिए हम इसमें ज्यादा कोड के ऊपर काम नहीं कर सकते, बस हम इसमें डाटा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब ये परफॉर्म कैसे करता है, इन प्लेस सॉर्टिंग, जैसे कि आपको मालूम है कोई एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, एलिमेंट्स एरे के अंदर ही विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर ये सॉर्ट हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे इसमें करना क्या पड़ता है, जो सॉर्ट फंक्शन होता है उसमें हमें एरे का स्टार्टिंग पॉइंट और एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करके उसको पास करना होता है बस, और ये हमारा काम कर देता है, बहुत ही ईजी है। तो इसको हम कोड की फॉर्म में देखते हैं ये कैसे परफॉर्म होता है। अब आप इस कोड में देख सकते हैं कि हमने एक सेट ऑफ एरे लिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स हमने ले लिए और उसके काउंट कर लिए टोटल नंबर्स कितने हैं। तो हमने ये सॉर्ट फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब इस सॉर्ट फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल यानी कि एल्गोरिदमिक डॉट मतलब एल्गोरिदमिक हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की हुई है जो कि एक STL के साथ काम करते हुए स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स लाइब्रेरीज में यूज की जाती है। तो इसमें हमें पास क्या करने होते हैं आर्ग्यूमेंट, एक तो हमें स्टार्ट करना होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है और इसमें टोटल नंबर ऐड करके, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ प्रिंट कर देंगे तो एरे के कंटेंट सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन प्लेस सॉर्टिंग हो रही है तो इसलिए उसी एरे को जब हम दोबारा प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वो दोबारा से हमें उसके कंटेंट्स को सॉर्टेड वे में प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये देखिए कि यहाँ पे आप एक मिनट इसको सेव मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए थे जो उसको सॉर्ट कर दिया, और ये क्योंकि इन प्लेस सॉर्टिंग है तो उसने उसी को कंटेंट्स को वहां पे दोबारा रिप्लेस करके उसी एरे के अंदर प्रिंट कर दिया। अब आइए मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि ये किसी भी डाटा टाइप पे काम कर सकता है, तो यहाँ पे हम इसके लिए एक स्ट्रिंग्स को भी अगर हम पास करें तो ये कैसे काम करेगा, जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग एरे ले लिए और इस एरे के अंदर हमने कुछ कंटेंट्स डाल दिए और इनको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, बट ऑब्वियस पहले तो हमें एरे का साइज पता करना पड़ेगा कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए साइज ऑफ एरे मतलब उसका नाम क्या, स्ट्रिंग एरे डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल एलिमेंट, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एरे प्लस उसका साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि उसमें किया, तो बाकी हमने इसको सिर्फ प्रिंट किया कंटेंट्स को, ठीक है। अब इसको अब हम एक बार इसको भी रन कर लेते हैं, तो वैसे तो चलो दोनों इकट्ठे रन कर लेते हैं, ऊपर वाला मैं कमेंट नहीं कर रहा, आप चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं, इतना कोड भी लिख सकते हैं। तो इसको आप रन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें ये भी सॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट इसको चेंज भी करते हैं सो दैट आपके एक मिनट यहाँ पे ओके नाउ एक बार फिर रन करते हैं इसको, तो ये देखिए सॉर्ट तो हो रहा है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की है कि आप ये किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी इसको यूज करना है, एक तो आर्ग्यूमेंट्स क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये एक एरे है और दूसरा एरे प्लस एन, और तीसरी बात हमने यहाँ पे की है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। ओके क्विक सॉर्ट करने का हमारे पास एक और लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है जो कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल उसका है, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसका नाम है क्यू सॉर्ट।
सी में हमारे पास क्यू सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है जो कि एसटीडी लिब हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। इसलिए आपको मालूम है कि मॉडर्न वीएस कोड में अगर काम करना है मिनजे डब्ल्यू के साथ, तो हम इसके फाइल का नाम रख देंगे सी आगे अटैच करके और एसटीडी लिब लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्विक सॉर्ट करने में हेल्प करता है और ये इंटीजर्स और फ्लोट और यूजर की कस्टम यूजर डिफाइंड टाइप्स पे भी ये काम करता है। ठीक है, बट इसमें अलग क्या है उस पर्टिकुलर फंक्शन से, यहाँ पे हमें कंपेयर नाम का फंक्शन भी फाइंड इसको डिफाइन करना पड़ता है या उसको बताना पड़ता है कि ये करता क्या है। ये कस्टम कंपैरिजन फंक्शन होता है जो कंपेयर करेगा इंडिविजुअल इंटीजर्स को। ठीक है, तो ये जरूर हमें इंक्लूड करना पड़ता है, जिसके कारण हमें यहाँ फंक्शन डिफाइन क्या करता है, ऑर्डरिंग क्राइटेरिया, मतलब उनको ऑर्डर कैसे मेंटेन करा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये भी इन प्लेस सॉर्टिंग करता है, इन प्लेस का मतलब है कि उसी जगह पे विदाउट एडिशनल मेमोरी उसी जगह को उसी एरे को मॉडिफाई कर देता है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये जो कंपेयर फंक्शन है जो कि हम कहते हैं कस्टम कंपैरेटर फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं, तो इसमें ये दो आर्गुमेंट्स लेता है और ये होते क्या है, वॉइड पॉइंटर, जैसे कि कॉन्स्ट वॉइड पॉइंटर्स एज आर्गुमेंट्स, दोनों सेम होते हैं। अब इसको हमने अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि अगर हमने इंटीजर्स में दो नंबर्स इंटीजर्स को सॉर्ट करना है तो हम इसके आगे पॉइंटर लगा देंगे और ए ले लेंगे, तो ये हमें वो वैल्यू दे देगा और इसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, और फिर हम रिटर्न कर देंगे दोनों में से बड़ा क्या है, या इस केस में कंपेयर करके रिटर्न कर देंगे इंट ए माइनस इंट बी। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इसमें एक तो पहले आर्ग्यूमेंट सॉरी पैरामीटर्स क्या किस टाइप के होंगे। ठीक है, अब उसको हमें कास्टिंग करके पॉइंटर लगा के यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को फेच कर लिया और उसको कंपेयर करके हमने इन दोनों में से कंपेयर करके सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसलिए ए माइनस बी लिख दिया, अगर डिसेंडिंग में होता तो बी माइनस ए लिख लेते। तो इस तरह से हमें कंपेयर फंक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो जरूर देना है और वो हम अपनी मर्जी का देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हैं तो इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट के साथ काम कर रहे हैं तो फ्लोट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको हम कास्टिंग करके इसको यहाँ से इस तरह से रेफर भी कर सकते हैं, यानी कि ए के अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्ट इंट यहाँ पे लिख देंगे, अगर फ्लोट होगा तो कॉन्स्ट फ्लोट स्टार लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। चलो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं और ये कैसे काम करता है उसको देखते हैं। अब इस कोड में देखें कि हमने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने क्यू सॉर्ट नाम का फंक्शन यूज किया है। अब इस क्यू सॉर्ट को हम तीन पैरामीटर्स आप देख चार पैरामीटर्स देख रहे हैं कि पास कर रहे हैं, एक तो एरे हो गया पूरा उसका साइज, ठीक है, और साइज ऑफ इंट यानी कि वो जो टाइप है वो किस टाइप की होगी, और साथ में कंपेयर फंक्शन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये क्योंकि C से आया तो इसकी एडर फाइल हमें मालूम होती है, एसटीडी लिब होती है, बट क्योंकि C से आया तो हमें C आगे लगा दिए। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि एक कंपेयर नाम का फंक्शन हमने ऐड किया हुआ है। अब इस कंपेयर फंक्शन के कंटेंट्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, ये कस्टम कंपेरिजन फंक्शन होता है। ठीक है, अब इस केस में वो क्या करेगा, क्योंकि हमने इंटीजर एरे पास कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे हमारे पास उसको कंपेयर करके करने के लिए इसको दो इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक तरह से डायरेक्टली। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कास्टिंग की हुई है इसकी ए की, जिसमें वो ए और बी दोनों क्या है, कॉन्स्ट वॉइड पॉइंटर्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वो वॉइड को पॉइंट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, अब इसलिए फिर हमने वो वॉइड को है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये लिखा हुआ है, और बाद में हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न कर देने अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनको हम प्रिंट कर रहे हैं और ये हमारे साथ काम करेगा, तो इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। ये नंबर जो हमारे पास इनपुट गिवन है ये उनको सॉर्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे सॉर्ट कर रहा है। अब ये भी इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहा है, इन प्लेस का मतलब वहीं पे कर रहा है विदाउट एनी एडिशनल स्टोरेज, तो इसलिए ये इन प्लेस में यहीं पे आंसर यहाँ पे हमने एरे के साथ ही प्रिंट करवा दी। अब यहाँ पे हम अगर फ्लोट देना चाहें तो यहाँ पे पहले फ्लोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट लिखना पड़ेगा जैसे कि आप जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी इसके कंपेयर फंक्शन में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे इंट है वहाँ फ्लोट लिखने पड़ेंगे, तो ये हमारा काम फ्लोट नंबर्स के लिए भी कर देगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो सी का जो फंक्शन होता है क्यू सॉर्ट, उसमें कंपेयर फंक्शन दे के उसको इस तरह से हम कॉल करते हैं। ठीक है, इसका आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले एरे का नाम है, फिर साइज है, फिर साइज उसका जिस टाइप के एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद कंपेयर फंक्शन है। ठीक है, ये कस्टम कंपैरिजन फंक्शन है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सॉर्टिंग होके आ रहा है, तो इस चीज का इस तरह से ये यूज करना है।
ठीक है, तो क्यू सॉर्ट को कॉल करना है और साथ में कंपेयर फंक्शन देना है अगर आप सी वाला क्यू सॉर्ट यूज कर रहे हैं एज ए लाइब्रेरी फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग क्विक सॉर्ट।